स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवो। मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। के जय शाह साहब ने जो है वो मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला मैंने बात ही नहीं करनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैंने जो बात करनी है आईसीसी से बात करनी है। सामना करना पड़ सकता है इंडिया की क्रिकेट बैन। अबे किसी के बाप में दम है कि इंडिया की क्रिकेट को बैन कर सके? और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया चाचा? ये पाकिस्तान में बैठे सख्या है कुछ लोग पता नहीं कहां से उठकर आ कम ऑन। ये भाई आईसीसी ने मंजूरी दे दी, यकीन करो मंजूरी ना हो गई बहन का रिश्ता हो गया साला। इतने खुश हो रहे आईसीसी की मंजूरी के बाद, जो बजट आईसीसी ने मंजूर किया है और जो ये ख्वाब लोग देख रहे हैं कि भाई अब तो इंडिया आ रहा है, अब तो आईसीसी ने भी अप्रूव कर दिया कि भाई इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा, वरना भाई इंडिया तो मैं क्या बोलूं तुम लोग को। देखो असल में ये जो मीटिंग है इसमें चैंपियन ट्रॉफी को डिस्कस ही नहीं किया गया है। सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी का जो बजट है वो जो है अप्रूव किया गया है। आज आखिरी दिन जो उसको पेश किया गया और उसको आईसीसी ने अप्रूव कर लिया, ठीक है। जो है वो बीसीसीआई से जो जय शाह है उनसे मिलने की कोशिश की है मोहसिन नकवी ने, कि जय शाह से मुलाकात करके चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात की जाए कि अपनी टीम को पाकिस्तान में भेजें, ऐसा ना करें और हमारे यहाँ पूरे इवेंट को होने दें। या जो पीसीबी जो है वो एक ऑफर करने जा रहा था कि भाई साहब आप जो है वो बायलैटरल सीरीज हमारे साथ खेलें। ये सारी बातें जय शाह के साथ जो है मोहसिन नकवी ने करनी थी, लेकिन बात यह है कि जय शाह ने मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात ही नहीं की है। बजाओ ताले। क्रिकेट का मामला है भारत और पाकिस्तान का, ये ऐसा है जैसे पिंग पोंग होती है ना, टेबल टेनिस, कड़क किसने मारा फिर कड़क उसने मारा, ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और हर रोज कोई ना कोई ऊपर से मसाला छिड़क देता है। अब दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट है कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन फॉर्मर चीफ खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? तो भाई पाकिस्तान तीन दिन से पुश्कियां छोड़ रहा है, यानी कि हवा में तीर चलाने के कार्य कर रहा है, क्योंकि जो श्रीलंका के अंदर मीटिंग हुई थी आईसीसी की उसके अंदर तमाम जो विश्व से है जो पूरे बोर्ड आए हुए थे वहां पर भाई डेफिनेटली बात आया कि भाई पाकिस्तान को चंदा लेने जाना था और चैंपियन ट्रॉफी के लिए भाई बोल के भी आई है, बट हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई ये भारत वहां पर बोल दे। अगर ये भारत के लिए बोलते कि भाई तुम चैंपियन ट्रॉफी खेल ले आओ तो तमाम भारत वहां पर जवाब देता इनको और तमाम जो क्रिकेट बोर्ड है उसी समय मना कर देते और चैंपियन ट्रॉफी वहीं पर कैंसिल हो जाती। वहां पर भाई चैंपियन ट्रॉफी की बात तक नहीं हुई और जो नकवी है, नकली है कहूंगा मैं तो उसको, उसने भाई बड़ी कोशिशें की, बड़ी मिन्नतें की कि भाई एक बार जैसा से मीटिंग हो जाए, बट पास भी नहीं जा पाए। आप लोग क्या रिकमेंड सस्पेंड रखें, वीडियो शुरू करते हैं। ये कर रहा है कि जी बजट अप्रूव हो गया और आई चैंपियंस ट्रॉफियां होगी। आप जानते हैं भारत को कि भारत किस तरीके से रखने अड़ाता है पाकिस्तान के जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें, एशिया कप हमारे सामने। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बात हुई है और अभी लॉलीपॉप दिया गया है, क्योंकि ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब तक तो बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी निकल जाएगा। और मुझे लग रहा है ये भारत की चाल है, क्योंकि हो सकता है नवंबर में जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाए और उस सूरत में फिर क्या होगा आपके लिए। तो मेरे ख्याल में वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि ठीक है एक नॉर्मल चार रोजा इजलास था, बोर्ड मीटिंग की अभी खबर नहीं आई कि बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ, बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई है, आठवें फ्लोर पर थे ये जय शाह, और सुनने में आया कि जय शाह के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी जिसकी वजह से कोई भी मीडिया का बंदा उन तक एक्सेस नहीं कर सका, और मोहसिन नकवी भी वहां मौजूद थे। लेकिन अब तक जो मेरे पास इत्तलात है अब्दुल गफ्फार, बड़ी ऑथेंटिक इत्तलात है, वो ये है कि दुबई या फिर श्रीलंका, श्रीलंका ज्यादा इंटरेस्टेड है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ कराए, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक कोई अपनी आईसीसी की जानिब से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी है, मैं मान लेता हूं पाकिस्तान में भी है। मतलब दो चार चीजें ऐसी हैं जो मैं बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट मान लेता हूं कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के अंदर किसी की अगर बात सही तरीके से सुनी जाएगी तो वो भारत है, बीसीसीआई, मैं मान लेता हूं। मैं ये भी मान लेता हूं कि बीसीसीआई अपनी जिद पे आ गया तो चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मोड पे ला सकता है। मैं बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट इस बात को भी मान लेता हूं। मैं इस बात को भी मान लेता हूं कि क्रिकेट की दुनिया में जितनी भारत की सुनी जाती है पाकिस्तान का उससे आधा भी नहीं सुना जाता। मैं बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट मान लेता हूं, मगर जो रियलिटी चीजें हो चुकी हैं आईसीसी मीटिंग के अंदर, जो रियल चीजें हो चुकी हैं, आप उसको ट्विस्ट क्यों कर रहे हैं वो तो बताइए। हाँ, एटलीस्ट मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि आप बीइंग जर्नलिस्ट आपकी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फैक्ट बताइए, उसके बाद लोगों पर छोड़ दीजिए वो इस पर क्या अपनी राय रखते हैं और इस बारे में क्या सोचते हैं। अब जी जय शाह साहब ने कह दिया पावे पैरे पैजो मेरे, मैंने नहीं मिलना तो ये कोई यू नो स्ट्रीट टॉक हो सकती है, किसी छाबड़ी वाले की बात हो सकती है, किसी जर्नलिस्ट की नहीं हो सकती। विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरी नजर में ना, मैं मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि जब हम बात करते हैं कि जी आईसीसी की मीटिंग हो रही है, आईसीसी की मीटिंग जो है उसमें डिसाइड किया जाएगा कि ये चैंपियन ट्रॉफी होगी होगी नहीं होगी। हमेशा आईसीसी की मीटिंग बड़ी, वर्ल्ड कप नजदीक आता है,
या अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड में इंडिया जाना होता है या इंडिया ने अगर पाकिस्तान आना होता है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरी नजर में ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होनी नहीं चाहिए। आईसीसी को क्लियर कट एक चीज कहनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान भी इंडिया गया था, दो दफा जा चुका है, आई थिंक 2016 में भी गया, फिर उसके बाद अभी भी गया, अब इंडिया ने आना है। खामोशी से आप अपना काम करें, आप अपनी गवर्नमेंट से बोलें कि भाई हमने जाना जरूरी है, हमें आप हर हालत में परमिशन दें, क्योंकि एशिया क्रिकेट काउंसिल की कोई दो आने की उसकी वैल्यू नहीं है। वहां पे हम अपनी मर्जी चला सकते हैं, लेकिन आईसीसी में हम कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकते और आईसीसी की तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर भी है। तो सीधी सी बात है, ये क्या मतलब कुछ लोग मीडिया में वहां पे इंडिया में बैठ के सबके साथ उनकी हेलो आई भी है, जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाना था तो वहां बैठ के कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में आना चाहिए क्योंकि इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है आईसीसी का, इंडिया को भी जाना जरूरी है। अब वहां अपनी मीडिया में बैठ के दुकान चमका रहे हैं कि नहीं जी हाइब्रिड भी हो सकती है क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी हुआ है तो अमेरिका में भी हुआ है तो हाइब्रिड का प्लान बन सकता है। तो मेरे ख्याल में अफसोस की बात है कि इस किस्म की फजूल बातें वहां पे बैठ के जो है वो हो रही हैं। और मैंने तो यहां तक कह दिया, मैंने तो ट्वीट भी की, मैंने अपने चैनल पे भी बोला, मैंने इंडिया वालों को बोला मैंने चूड़ियां पहनो, आप बीसीसीआई वालों को बोला आप चूड़ियां पहने, क्योंकि जो बकरी है ना बकरी वो भी इलाका छोड़ के किसी दूसरे इलाके में चली जाती है, ठीक है ना, वो भी नहीं घबराती। तुम लोग तो घबराते हो हर चीज में, तुमने टांग अड़ाई भी है जी वो सिक्योरिटी नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दूसरी दुनिया के मुल्कों की हर टीम आके चलेगी सिवाय तुम्हारे, और पाकिस्तान ने तो कभी सिक्योरिटी की बात ही नहीं की। आज भी पाकिस्तान को बोलो अभी विद इन मिनट आप बोलो कि आप पहुंचो इंडिया, हमारी पूरी टीम पहुंच जाएगी, हमारी गवर्नमेंट फटाफट परमिशन दे देगी, ना क्रिकेट बोर्ड कुछ बोलेगा ना कोई बोलेगा, ठीक है। तुम लोगों से अच्छे तो हमारे क्रिकेटर्स हैं जो टीवी पे बैठ के धड़ल्ले से बोलते हैं कि जी हमें इंडिया जाना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट या हमारा क्रिकेट बोर्ड, बिल्कुल हम क्रिकेटर्स को कुछ नहीं बोलता, वो तो उल्टा खुश होते हैं कि यार हमारे क्रिकेटर्स बैठ के दोस्ती यारी की बातें कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे कि यार दोस्ती यारी होनी चाहिए, ठीक है, हमारे प्लेयर्स भी वहां जाने चाहिए उनके भी। तुम लोग तो घबराते हो सारे। अभी तक मोहसिन नकवी ने कोशिश की है जय शाह के साथ मुलाकात करने की, ना जय शाह ने मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की है, और आईसीसी के साथ भी चैंपियन ट्रॉफी का जो मामला है उसको डिस्कस करने की बात की है, तो आईसीसी ने भी इसको डिस्कस नहीं किया। और आपको यह भी मालूम है जो इस मीटिंग का एजेंडा था उसमें भी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का कोई जिक्र नहीं था। ये जो न्यूज चलाई जा रही है लोग अपने पास से चला रहे हैं कि भैया आईसीसी ने ये बोल दिया कि चैंपियन ट्रॉफी अगर होगी तो पाकिस्तान में होगी, इंडिया को आना पड़ेगा, इंडिया नहीं आया तो हम श्रीलंका को ऐड कर लेंगे, भाई ऐसी कोई न्यूज नहीं आ रही है। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तान को भी आप लोगों ने देखा कि जो रोना पड़ा हुआ है वो रोना लग रहा है कि भाई जो जय शाह है वो नवंबर, देखिए जो चैंपियन ट्रॉफी है वो मार्च के अंदर है भारत पाकिस्तान का मैच और फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। चलो हम मानते हैं अगर पाकिस्तान रख भी देते हैं मैचों को तो जो टीमें हैं वो अफगानिस्तान भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि भाई अफगानिस्तानी जो रिफ्यूजी हैं और जो अत्याचार हुआ, देखिए कोई भी देश है वो अपने पर्सनल जो अर्निंग होती है उसका बहुत कम मायने होते हैं, जो एक जज्बा होता है, भावनाएं होती है उससे खेलते हैं। जैसे भारत है, भारत के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, तो आज बीसीसीआई है उसके पास इतना पैसा है क्यों, क्योंकि आईपीएल लोग देखते हैं, क्रिकेट को प्यार देते हैं। तो ऐसे ही अफगानिस्तानी रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान ने उनके साथ कत्लेआम किया तो अफगानिस्तान नहीं खेलेगा। तो जो असली अर्निंग है वो होती है भाई बीसीसीआई हो या फिर आईसीसी हो, ये होती है भाई भारत और पाकिस्तान के मैच से। और भारत पाकिस्तान के मैच में आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा कि जो टिकटें हैं, जो भाई होटल्स हैं, जो खाने पीने की सामान है, यानी कि उस देश की काया पलट जाती है एक मैच से ही, उस शहर की। और भारत पाकिस्तान का मैच जो भी श्रीलंका के अंदर बातें चल रही है फिर या यूए के अंदर बातें चल रही है तो पाकिस्तान में तो नहीं होगा, क्योंकि भारत अपने सैनिकों और देश के लोगों की भावना को कुचलकर नहीं खेलेगा। और इसीलिए अभी जो मीटिंग हुई है उसमें चैंपियन ट्रॉफी की बात चली तक नहीं है। और ये भाई पाकिस्तान मीडिया वैसे ही पुशकिया छोड़ रहा है कि भाई हमें बजट मिल गया, वो मिल गया, तो सब कुछ है जो ठंडे बस्ते में रख रखा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को भी पता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहां पे हम समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।